स्वागत है स्टूडियो के अंदर तक बनते बिना। और प्रिय गुप्ता के चैनल को अभी तक आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बटन को जरूर बजा देना। आज है सोमवार, आपकी सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है। बस अब सावन का महीना जाने वाला है और सब रक्षाबंधन आने वाली है। 22 तारीख की रक्षाबंधन है। आज मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। आज आखिरी सोमवार था ना तो बहुत भीड़ थी, क्योंकि सभी लोग आखिरी सोमवार में पूछते हैं तो उद्यापन भी करता है, कोई 16 सोमवार का भी करता है, कोई अभिषेक भी करता है आखिरी, है ना। तो बहुत भीड़ थी, अच्छा लग रहा था मंदिर में तो जाओ, कैसे लगता है कि वहीं बैठे रहो, अब करना सब अच्छा लगा। हाँ बस मंदिर मंदिर से आके घर की पूजा वही डेली रोज करती हूँ। आज तो मैं जल्दी हो गई थी सुबह जल्दी, क्योंकि अब मैंने आज की दिन जैसे लगाने में तो कपड़े हो गए थे तो मशीन भी लगाने थी, तो मशीन भी लगा दी थी और घर का भी काम करती जा रही थी। और मंदिर जल्दी होकर आ गई थी, इसके बाद मैंने काम किया था और पूजा करने के बाद उसका सब्जी वगैरह भी आ रही थी तो मैं धोकर भी रख गई थी। पहले मंदिर वहीं की फिर पूजा रख गई थी, फिर इन लोगों के लिए फिर ब्रेकफास्ट वगैरह काम करती थी, बर्तन वगैरह ये सब करती रहती हूँ। तो बच्चा आपको भी जा जाता है तो उसको भी खिलाना पड़ता है, बच्चे अपने आप से इतना नहीं कर पाते हैं। चलो जो किया है वो आप लोग देखो, चलो आप चलते हैं किचन में क्या है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, यहाँ पर मैंने भगवान की पूजा कर ली है। मंदिर गई हुई थी मंदिर से और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली, इसके बाद मैंने इस सब्जी आई हुई थी सुसाथ में ये धोकर भी रख दी है। और धोने के बाद बेटे ने अपने हाथ से तेल की सीजी उठा ली है, अब ये तेल लगा रहे हैं। मम्मा तुम आराम, देखो इनका तेल लग रहा है, इस तरह से तेल लगाया जाता है। आप नहीं लगा के जाने, कपड़े लेकर आए हम तो कपड़े भी पहन लेते हैं, आप लोग नहीं पहनते हो। देखो हम तो मम्मा की ज़रूरत नहीं है, हम तब से सब काम कर लेते हैं। मैचिंग वाले कपड़े हैं, देखो ये मैचिंग है, मैं ये पहनने उनने वे वाले कपड़े फेंक दिए और ये वाले मैचिंग के पहनने। बच्चे को तैयार कर दिया है और बस अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब मेरा किचन का काम चालू हो गया है। और यहाँ पर मैं फरार में गाजर का हलवा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया था, कढ़ाई में एक चम्मच घी डालकर उसमें डालकर उसको थोड़ा भून लिया, फिर अपना दूध डाल दिया, उसको दूध में मैं पका लूँगी। हलवाइयों जैसा हलवा बन जाएगा, रवादार और खाने बड़ा टेस्टी लगता है। और ये मेरे पास गाजर रखी रहती हैं और यहाँ पर मिल जाती हैं तो मैं हलवा वगैरह बर्फी वगैरह बना लेती हूँ। और आप इसकी मैं खीर की भी रेसिपी दे चुकी हूँ, आप कहोगे कमेंट में तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर देख लेना वो वीडियो। और यहाँ पर मेरा दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने चीनी डाल दी है और उसको और गाढ़ा करेंगे। तब तक जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक आपको उसको चलाते रहना है। और बस इसको मैं गाढ़ा कर लेती हूँ, फिर बाकी प्रोसेस बताती हूँ। फिर यहाँ पर मेरा दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है और इसमें मैंने ध्यान नहीं रहा, मैंने पहले डाल दिया शक्कर और बादाम ड्राई फ्रूट्स, बाद में ध्यान रहे कि मुझे बाद में डालना था। ये मेरा गाजर का हलवा बनकर तैयार है, आप लोग कैसे बनाते हो गाजर का हलवा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने आलू बैंगन और की सब्ज़ी बनाना था तो वो भी बना ली है। और चुकंदर की मुझे पूरी बनाना था क्योंकि वे चुकंदर आए हुए थे, या तो रायता बना लो, सब्ज़ी बना लो, पूरी बना लो, पराठे बना लो उसके, और खाने में अच्छे लगते हैं। ये सूखी बैंगन आलू की सब्ज़ी के साथ खाओ, चुकंदर की पूरी तो अच्छी लगती है। आखिरी सोमवार था तो हमने कि कुछ अच्छा ही बना के खा लो, अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पर मैंने चुकंदर का आटा लगा लिया था, इसका भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक तो कहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर देख लेना।
आप प्रियंका गुप्ता की चैनल से आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब का हर वीडियो देखने को मिल जाया करेंगे, सब्सक्राइब कर लोगे, और नहीं है तो आप प्रियंका गुप्ता के चैनल पर जाकर देख सकते हो और अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने चुकंदर का आटा भी लगा लिया, आलू बैंगन की मेरी सूखी सब्जी भी बन गई है और गाजर का हलवा बन गया है, और यहाँ पर मैंने पूरी भी बेल कर एक प्लेट में रखती जाती हूँ। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था तो तेल गरम हैगा, उसमें अपनी फ्राई कर लेंगे, और मैं बच्चा हस्बैंड को देती जाती हूँ जिससे गरम गरम वो खा लेंगे। पहले तो मुझे प्रसाद लगाती हूँ, फिर इसके बाद हस्बैंड बच्चे को खिला देती हूँ, अपना बना लेंगे। बस यहीं तक का मेरा वीडियो था और आशा करती हूँ आपको पसंद आ जाए। सावन में भोलेनाथ गए, उनके पुत्र आएंगे गणेश जी, फिर माता जी आएंगे। तो कहते हैं कि पहले धरती का भ्रमण करते हैं ना, जैसे ग्यारस थी ना, ग्यारस को जोश हो जाते हैं, कहते हैं कि विष्णु भगवान सहन करते हैं, सोते हैं चार महीना, तब तक भोलेनाथ इस संसार की रक्षा करते हैं, भ्रमण करते हैं, माता रानी गणेश जी का के उनका परिवार देख रेख करता है। इसलिए सावन के महीने, आषाढ़ के महीने में वे सो जाते हैं और सावन के महीने में वो सावन के महीने भूल ना पहरा देते हैं। इसलिए चलो वीडियो का एंड करते हैं, आपका वीडियो मतलब करता अगले वीडियो पर मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए चैनल पर हो तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को दबा देना, लाइक कर देना। आज के वीडियो मतलब करता, बाय।